हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरीज का नया टॉपिक नेस्टेड डिक्शनरीज। नेस्टेड डिक्शनरीज का मतलब है कि दैट मीन्स आपकी डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी। तो उस कंडीशन में हमें कब जरूरत पड़ती है, जब आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हो। सपोज आपको क्या करना था कि आपको एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने थे। उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप स्टूडेंट का नाम जो होगा वो एक की लोगे, उसको एज अ की यूज़ कर लोगे, देन आप उसके अंदर एक नेस्टेड डिक्शनरी बना लोगे और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स एज अ उसकी की वैल्यू इनपुट करा लोगे। तो एक डिक्शनरी के अंदर आप दूसरी एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, जो पहली वैल्यू होगी वो आपकी की हो गई और जो नेस्टेड डिक्शनरी आप बना रहे हो वो उसकी वैल्यूज़ हो गई। एग्जाम्पल 13.9 के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज को। अब यहाँ पर क्या करा, एक एम्प्लॉय डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, दैट इज एक जॉन, आपने क्या बनाई की बनाई है, कोलन, उसकी ये वैल्यूज़ दे दिए हैं। वैल्यूज़ में क्या क्या है, एज है, एज एक वैल्यूज़ के अंदर भी आपने की बना क्रिएट करके एज और सैलरी जो 25 और 20,000 रिस्पेक्टिवली दिखा रहा है। देन कॉमा आपने दिया है की बनाई है और उसके अंदर एक डिक्शनरी और क्रिएट कर दिए जिसके अंदर क्या वैल्यूज़ है, की है कि एज और 35 उसकी वैल्यू, सैलरी उसकी एज और 55,000 और 50,000 उसकी वैल्यू। फिर आपने लूप चलाया फॉर की इन एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स इसके अंदर की क्या मिलेगी, पहले जॉन मिलेगी। तो क्या करेगा, की जॉन की वैल्यू प्रिंट करेगा। जब जॉन की वैल्यू प्रिंट हो गई देन वो किस लाइन पे चलेगा, इस पर उसने एज प्रिंट करा। फिर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के अंदर जो की है और एज को। उस कंडीशन में क्या होगा, जो की आई होगी वो क्या है, जॉन, और जॉन के अंदर एज की आपने वैल्यू प्रिंट करा दी। अगेन सैलरी आपने प्रिंट करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, एम्प्लॉय आपका क्या है, ये आपका डिक्शनरी है, उसके अंदर की क्या आई होगी, जॉन फर्स्ट टाइम में, और उसकी सैलरी आपने जो की सैलरी है उसकी प्रिंट करा दी। दैट मीन्स जॉन के अंदर अगर कुछ भी प्रिंट कराना है, अगर जॉन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप एज लिखते हो तो क्या प्रिंट करेगा, 25। अगर जॉन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सैलरी लिखते हो तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज 20,000। एग्जीक्यूट करके इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ एम्प्लॉई, इसमें इसने क्या करा, इसकी की प्रिंट कर दी, इसकी की क्या थी, जॉन। देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इस स्टेटमेंट ने जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया, एज प्रिंट हुआ सिर्फ, देन कोलन साइन प्रिंट हुआ इसके साथ। फिर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा किसको, इस एम्प्लॉय के की को, दैट इज आपकी जॉन, और उसकी क्या, उसके अंदर जो नेक्स्ट की थी क्या थी, एज, उसको आपने प्रिंट करा लिया। देन अगेन आपने क्या करा, उसकी सैलरी प्रिंट कराई, क्योंकि ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक इस एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर आपको एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको इसका कोई भी एलिमेंट आपको क्या करना था, मॉडिफाई करना था या अपडेट करना, अपडेट और मॉडिफाई सेम बात होती है। तो यहाँ अगर आपको करना था तो आप क्या करोगे, सपोज ये आपका कोई आपका स्ट्रक्चर हो गया, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एम्प्लॉय और उसकी की लिखोगे, जो भी की लिखोगे उसको आप यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दोगे, जो भी वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कोई भी एलिमेंट आपको डिक्शनरी से डिलीट करना है तो आप क्या लिखोगे, डेल कमांड लिखोगे, डिक्शनरी का नाम दोगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी की दे दोगे। जो भी आप की दोगे उससे क्या होगा, वो एलिमेंट डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा। अगर आप कोई भी ऐसी की देते हो जो कि उस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, आपको एरर डिस्प्ले करेगा। आगे चल के हम डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन और पॉप आइटम फंक्शन भी यूज़ करेंगे। पॉप फंक्शन आपको पता होगा कि क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं करते हो, की पास नहीं करते हो, तो क्या करता है, लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। चेक करेंगे आगे चलकर, अगर हमें किसी डिक्शनरी के अंदर से चेक करना है कि वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करते थे, की देते थे इन डिक्शनरी, उस कंडीशन में अगर वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती थी तो क्या प्रेजेंट कर देता था, ट्रू। नॉट इन इसके अपोजिट काम करता है, अगर वो प्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट नहीं करेगी तो क्या करेगा, ट्रू, अगर प्रेजेंट करेगी तो क्या करेगा, फॉल्स। एग्जांपल देख लेते हैं,
यहाँ पे आपका ई एम पी वन है और उसके अंदर एक सैलरी दे रखी है, एज दे रखा है और नेम एज अ की दे रखा है और इनकी वैल्यूज़ दे रखी है। हमने चेक कराई है की इन ई एम पी वन, सॉरी एज इन ई एम पी वन, तो उस कंडीशन में क्या है, एज तो यहाँ पर है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। फिर हमने एक वैल्यू हमने चेक कराई है, वैल्यू क्या हमारी थी, दैट इज़ जॉन, जॉन इन ई एम पी वन, तो उसने क्या कर दिया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि यहाँ ये सिर्फ इन ऑपरेटर यहाँ पर क्या करेगा, सिर्फ कीज पे सर्च करेगा। अगर आपको वैल्यू सर्च करानी है तो आपको प्रोग्राम कोड करना पड़ेगा, जबकि नॉट इन इसका अपोजिट काम करता है। नॉट इन क्या करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको भी, हमारे पास एक यहाँ डिक्शनरी क्रिएट हो रखी है, चेक करते हैं इसमें एक्स, सॉरी दैट इज सैलरी, हमारे सिंगल कोड में सैलरी इन हमारा दैट इज एक्स डिक्शनरी का नाम, क्या कंडीशन है, ट्रू आई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सिंगल कोड में सेल इन एक्स, क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। अब मुझे करना क्या था, मुझे वैल्यूज पे काम करना था, मैं चाहता था कि गुलफाम 2043 में से सर्च करूँ। उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला था, आपको प्रोग्राम कोड करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए प्रोग्राम कोड कर रखा है, उसको दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या करा, एक आपकी डिक्शनरी क्रिएट कर ली जिसके अंदर कीज क्या है, नेम, गुलफाम, वैल्यूज है, सैलरी की वैल्यू 20,000 और एज की वैल्यू 45 है। फिर मैंने आपसे कहा कि एंटर वैल्यू टू सर्च, जो भी आप वैल्यू सर्च करेंगे, सर्च करने के लिए आप देंगे, वो किसके अंदर चले जाएगा, एस के अंदर चले जाएगा। फिर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी एल इक्वल्स टू एक्स डॉट वैल्यूज, दैट मीन्स एक्स डॉट वैल्यूज का मतलब क्या है, इस डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज है वो एल लिस्ट में चली जाएंगी। फिर मैंने चेक कराया जो एस के अंदर मैंने इनपुट कराया था वो इस एल लिस्ट के अंदर है, अगर वो एल इस लिस्ट के अंदर है तो क्या कर दे, वैल्यू फाउंड प्रिंट कर दे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स जो मैंने इनपुट कराया था वो इसकी वैल्यूज में से नहीं है, तो क्या प्रिंट कर दे, वैल्यू नॉट फाउंड। हम क्या करते, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं अपनी लिस्ट को, प्रिंट डिक्शनरी को प्रिंट करा लेते हैं, लिस्ट को प्रिंट नहीं कराते, और इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। एंटर वैल्यू टू सर्च, मैं कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो इसके अंदर नहीं है, सपोज मैं यहाँ पे 20,000 की जगह यहाँ 60,000 एंटर करता हूँ, वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है, ये मेरी डिक्शनरी में मैंने एज इट इज प्रिंट करा लिया। देन अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसके अंदर 20,000 इनपुट करता हूँ, 20,000 इसके अंदर है तो ये किसके अंदर, ये सारी वैल्यूज जो है इस कमांड के थ्रू, एक्स डॉट वैल्यूज के थ्रू, एक्स आपकी डिक्शनरी है और वैल्यूज के थ्रू हमने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, दैट इज एल लिस्ट के अंदर। अब हम चेक कराने किस लिस्ट के अंदर से, एल लिस्ट के अंदर से चेक कराने जो हम वैल्यू एक्स के अंदर दे रहे हैं, ये वैल्यू किसके अंदर जारी होगी, 20,000 एस के अंदर जारी होगी, तो हम चेक करें जो एस के अंदर वैल्यू आई है वो एल के अंदर है या नहीं है, अगर एल के अंदर है तो क्या कर दे, वैल्यू फाउंड प्रिंट कर दे, अदरवाइज नॉट फाउंड प्रिंट कर दे। तो वैल्यू फाउंड, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही थी, दैट मीन्स अगर आपको लिस्ट में से वैल्यू सर्च करनी है तो आप एक प्रोग्राम कोड कर लेगा, वो ईजी रहेगा, और अगर आपको सिर्फ कीज सर्च करनी है तो आप एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल 13.11 को समझने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। आपने एक ऑलरेडी लिस्ट जो बनी हुई थी आपकी एम, वो आप डिक्शनरी जो आपकी एम बनी थी उसको आपको यूज करना है, और आपको प्रोग्राम क्या यूज करना है, आपको एक रोल नंबर इनपुट कराना है, उस रोल नंबर को जो भी इनपुट कराओगे उसको क्या करना है, डिलीट करना है। अगर वो रोल नंबर आपको क्या होना चाहिए, वो रोल नंबर जब डिलीट हो रहा हो तो उस कंडीशन में अगर नहीं हो तो वो आपको एरर मैसेज दे दे, दैट मीन्स कि वो नहीं एग्जिस्ट करता, अगर है तो उसको डिलीट कर दे। तो हमने क्या करा, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, एम्प्टी डिक्शनरी है, कितने स्टूडेंट ऐड करना है वो हमने एन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, लूप चलाया जिससे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाए, हमने किसके अंदर वो वेरिएबल्स रोल नंबर के और मार्क्स के इनपुट करा दिए, आर और एम के अंदर, एम आपका क्या है, डिक्शनरी है, हमने आर उसके की भी एम वैल्यू इनिशलाइज कर दिए, दैट मीन्स आपकी एक डिक्शनरी बन जाएगी और उसको हम प्रिंट करा लेंगे डिक्शनरी को। अब हमें जो रोल नंबर डिलीट करना है वो हमने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज़ आर एन ओ, हम इनपुट जो कराएंगे वो किसके अंदर जाएगा, रोल नंबर डिलीट करने वाला आर एन ओ के अंदर, हम चेक करा रहे हैं आर एन ओ इन एम, दैट मीन्स रोल नंबर जो है, जो की है आपकी, वो
वो एम के अंदर है, उस लिस्ट के अंदर है, अगर है तो डिलीट एम और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने उस की वैल्यू जो आई है वो दे दिए। उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपके पास मैसेज दे देगा रोल नंबर, जो भी रोल नंबर की वैल्यू आपने इनपुट कराई थी डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी। एल्स अगर वो रोल नंबर नहीं है तो क्या कर देगा कि रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट और आपकी जो डिक्शनरी अगेन प्रिंट कर देगा। चेक कर लेते हैं इसको भी एग्जीक्यूट करा के। पांच स्टूडेंट्स ऐड कर लेता हूँ, 1, 22, 2, 55, 3, 77, 4, 88 एंड 5, 99। दैट मीन्स अब मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसके अंदर पांच कीज और उनकी वैल्यूज होंगी। ये कीज आ गई और ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब मैं ऐसा रोल नंबर देता हूँ जो, अब जो रोल नंबर मैं इनपुट करूँगा वो किसके अंदर जाएगा, आर एन ओ के अंदर। मैं अब ऐसा रोल नंबर देता हूँ जो इस लिस्ट के अंदर यानी कि इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है। सपोज मैं 7 दे देता हूँ, 7 किसके अंदर जाएगा, आर एन ओ के अंदर। चेक करेगा आर एन ओ के अंदर जो वैल्यू गई है दैट इज 7 इन एम। यहाँ पर क्या चेक कर रहा है, कीज चेक कर रहा है एम के अंदर से, वो नहीं मिलेगी। ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो वो किस में चला जाएगा, इस स्टेटमेंट चला जाएगा, इस एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, रोल नंबर 7 डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। और क्या प्रिंट करेगा, फाइनल डिक्शनरी, और एम को प्रिंट कर देगा, दोबारा से डिक्शनरी प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स रोल नंबर टू बी डिलीटेड 7, हमने इनपुट जो कराया था रोल नंबर 7 डज नॉट एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी, ये एल्स स्टेटमेंट ने प्रिंट कर दिया। देन फाइनल डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो गई। अगेन हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, सेम मार्क्स इनपुट कर लेता हूँ, 5 सेम मार्क्स इनपुट होगा। अब मैं वो रोल नंबर देता हूँ जो एग्जिस्ट करता है। अब मैंने क्या दिया, 2 दिया है। अब जो 2 की वैल्यू है वो किसके अंदर गई होगी, आर एन ओ के अंदर। फिर हमने चेक करा इफ आर एन ओ के अंदर वैल्यू क्या है, 2 इन एम। दैट मीन्स 2 रोल नंबर जो है वो एम डिक्शनरी के अंदर है, अगर है तो क्या करते हैं उसको डिलीट कर दे और ये मैसेज प्रिंट कर दे। चेक करते हैं एंटर करके, क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो इसको डिलीट कर देगा और आपको फाइनल डिक्शनरी दिखा देगा। देखिए रोल नंबर टू भी डिलीटेड, हमने 2 दिया था, ये किसके अंदर गया था, आर एन ओ के अंदर गया था। फिर हमारे पास मैसेज क्या है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, आर एन ओ, दैट मीन्स रोल नंबर 2 डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी। और फाइनल डिक्शनरी में क्या है, ये 2 यहाँ से इसका एलिमेंट डिलीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ नेस्टेड डिक्शनरीज और आपको चेकिंग फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ अ की क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।